अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज स्टील ब्रिज पंजागुटा ग्रेवयार्ड रोड नंबर 1 पर यूएस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया। टी श्रीनिवास यादव, के तरकर रामा राव, मोहम्मद महमूद अली, विजय लक्ष्मी गदवाल और जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसकी तफसीली रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंजागुटा स्टील ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया। ये ब्रिज यहाँ पर बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेवियार्ड होने की वजह से बहुत अच्छा प्लान करके हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, जो केटीआर साहब है, स्कूल मिनिस्टर हमारी मेयर साहब आए, सब मिलकर प्लान बना के यहाँ पर बहुत अच्छा स्टील ब्रिज बनाए। इससे काफी लोगों को फायदा होगा ट्रैफिक के। बिल्कुल, आज के इनॉग्रेशन में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव साहब और हमारे यहाँ के एमएलए नागेंद्र साहब, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, कारपोरेटर साहब, इसके अहदेदार है। तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद सिटी इंडिया में नंबर वन सिटी की तरफ जा रहा है। इंडिया में 5 सिटी जो ऐसे काफ़ी डेवलप है, उसमें तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद नंबर वन तरीके से डेवलप हो रहा है। और इसमें डेवलप करने के लिए कई जगह ब्रिज बनाए जा रहे हैं, और खासतौर से हमारे आदरणीय सीएम साहब ने हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर इतने स्कीम्स आए हैं कि मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में स्टेट में जितने स्कीम्स हैं उतने स्कीम तेलंगाना स्टेट में वेलफेयर स्कीम काफ़ी यहाँ के आवाम खुश है। और यहाँ की ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हर जगह ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इसके लिए मैं सबको हमारे केटीआर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। यहां के आवाम के लिए एक बहुत अच्छा स्टील ब्रिज की वजह से काफ़ी सहूलत होती है, उनको मुबारक। नाना कर रहा है।
केबल 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 जाता ना लोगों पर बैठ गणेश ना फोन दिए बना ये तो उत्तर आगे